यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डार्क साइड लेजेंड एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक आप लोग हमारे थंबनेल देख के जरूर समझ गए होंगे। हाँ, आज का वीडियो का टॉपिक है राइस्टार के बायोग्राफी के ऊपर। तो आप लोग जरूर पहचानते होंगे राइस्टार को, और कौन नहीं पहचानता होगा राइस्टार को। वो है इंडिया का सबसे फास्टेस्ट प्लेयर, या फिर कोई कोई लोग बोलते हैं हैकर। और उनको लेके इससे पहले बहुत सारा कॉन्ट्रोवर्सी हो चुका है यूट्यूब में। तो ऐसा कोई बंदा जरूर नहीं होगा जो उनको ना पहचानता। वो हमारी इस YouTube कम्युनिटी में आए हैं गैन गेमिंग के वीडियो से, मतलब गैन गेमिंग के लाइव से। तो आज को उनको लेके एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो कुछ ऐसे फैक्ट हो सकते जो मे बी गलत हो, तो आप लोग ज़रा उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। और अगर राइस्टार भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर कॉमेंट कर देना कि मैंने जो फैक्ट बताए उनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा थोड़ा सा गलत। और राइस्टार भाई इससे पहले भी हमारे चैनल में, इसके पहले वाले वीडियो में भी आप हमसे कम्युनिकेट कर चुके हैं। तो प्लीज़ जो आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको सबसे ऊपर कमेंट को पिन कर दूंगा। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो फैक्ट नंबर वन, आपको पता है कि राइस्टार कहाँ रहते हैं या फिर राइस्टार कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो जान लीजिए, वो केरला स्टेट में रहते हैं और वो मलयाली है। और ये हमें बताया है हमारी किसी सब्सक्राइबर या फिर व्यूअर ने, तो मैं उसके ऊपर एक शाउट आउट दे रहा हूँ अभी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दिए है ब्रो कोड ने। उन्होंने लिखा है राइस्टार नेवर ऑन माइक बिकॉज ही इज़ फ्रॉम आवर स्टेट केरला। तो राइस्टार भाई असल में है केरला से और वो मलयाली है, इसीलिए वो कभी अपना माइक ऑन नहीं करते। तो ये फैक्ट अगर आपको नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको भी राइस्टार के ऊपर कोई ऐसे ऐसे फैक्ट पता है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम भी ऐसे शाउट आउट दे दूंगा। अब राइस्टार कौन से मोबाइल में खेलते हैं? राइस्टार मोबाइल में खेलते हैं इस वाले मोबाइल में, ये है हमारा आईफोन 11 प्रो। इससे पहले वो रेड मैजिक में खेलते थे, लेकिन अब इस मोबाइल में शिफ्ट हो चुके हैं और वो फोर फिंगर क्लॉ में खेलते हैं। अब उनको जरूर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि फोर फिंगर में खेलते हैं, और उससे पहले जो जिस मोबाइल में खेलते थे वो मोबाइल बहुत अच्छा मोबाइल है, उसमें एयर ट्रिगर है, इसलिए खेलना बहुत आसान हो जाता है। और इस बार राइस्टार का फेस, तो यूट्यूब में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको पता होगा कि राइस्टार कौन है या फिर वो कैसा दिखता है, क्योंकि राइस्टार का कोई अभी तक वॉइस ही नहीं सुना, तो फेस तो दूर की बात है। लेकिन मुझे एक फेस मिल रहा था, मतलब आपको बोल सकता आप लोग एक लीक मुझे मिला था, तो मैंने उस लीक के ऊपर एक वीडियो भी बनाया है मेरे चैनल में। तो आप लोग मेरे चैनल में जाके देख लेना राइस्टार का वीडियो जो है फेस रिवील, वो मेरे उस वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर चले जाना और वो वीडियो देख लेना, मोस्ट पॉपुलर वीडियो में वही आता है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि राइस्टार का एज कितना है। तो राइस्टार का एज तो एकदम श्योरली कोई नहीं बता सकता कितना है, लेकिन कुछ कुछ यूट्यूब वीडियो में कहते हो 15 साल के, कुछ कुछ यूट्यूब वीडियो में कहते हो 21 साल के, कुछ कुछ यूट्यूब वीडियो में कहते हैं वो लोग मतलब वो 17 साल के। तो मैं पकड़ लेता हूँ उनका एज 17 से 15 के बीच में होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उस उनका एडुकेशन क्या हो सकता है? तो एक हो सकता है वो 12th तक ही या फिर 10th दे रहे हैं, या फिर हो सकता है उनका इस साल बोर्ड एग्ज़ाम है। तो आप लोगों को पता चल गया कि राइस्टार का एज क्या हो सकता है। अगर आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन है राइस्टार के ऊपर या फिर राइस्टार के रिलेटेड, तो आप कुछ मत करना, हमारे कमेंट बॉक्स में जाना और हल्के से एक कॉमेंट कर देना। आप जो जो कॉमेंट करोगे मैं उसके ऊपर रिसर्च करके मैं पता लगाऊंगा कि राइस्टार के आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर क्या है, और मैं आप लोगों को जल्दी उसका आंसर भी दे भी दूंगा। तो जल्दी से कमेंट करो। अगर राइस्टार के बारे में किसी को और भी कुछ पता हो तो मैंने पहले ही बोल दिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। उसका नाम मैं अगले वीडियो में शाउट आउट के साथ भी लूंगा, एकदम जैसे मैंने ब्रो कोड कर लिया। तो अगर आपको इतना सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आपको राइस्टार के बारे में और भी कुछ जानना हो तो हमारे दूसरे वीडियो के लिए आप ज़रा सा वेट कीजिए, राइस्टार के बायोग्राफी के ऊपर पार्ट 2 भी आने वाला है। तो राइस्टार को लेकर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो है राइस्टार का हैकर है कि नहीं है। तो इसके ऊपर राइस्टार ने खुद मुझे कमेंट किया था, जो मैंने सोचा जो मैं इस वीडियो में लगा दूंगा, लेकिन मैंने देखा उन्होंने वो कमेंट अपने आप ही हटा दिया। तो उस कमेंट में क्या लिखा था मैं तो अभी आपको नहीं बोल सकता, लेकिन उन्होंने ये कहा था बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन वो उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखा जाए तो ये एक तरफ से सही बोला है उन्होंने, क्योंकि अभी तक यूट्यूब में जो जो कॉन्ट्रोवर्सी चला है उनके ऊपर, तो वहाँ पर देखा जा रहा है कि जैसे बोल सकते वो जो कॉन्ट्रोवर्सियाँ हुई है वहाँ पे जीएसके भाई ने जो रिप्लाई दिया है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है उनके अगेंस्ट में। लेकिन वो सारे मतलब क्या बोलूँ, रिप्लाई में ऐसा दिखाया जाता है कि राइस्टार ऐसे हैक कर सकता है, ये नहीं दिखाया जाता कि राइस्टार ऐसे हैक करता है। तो वो सारे चीज़ें देख के बहुत लोग राइस्टार को बहुत बुरा भरा बोल रहे थे, तो वो ठीक नहीं है।
हम राइस्टार भाई को अभी भी सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करते रहेंगे। तो अगर राइस्टार भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो कुछ कमेंट कर देना प्लीज़, और अपने फैंस को बताना कि क्या क्या हो रहा है आपके साथ।